सारे लड़कों के दिल में वो बात थी कि फाइनल हमें जीतना है। ये साल रणजी ट्रॉफी में हमारे पास 18 से 19 लड़के थे जिन्होंने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया है। CSK टीम में एक फैमिली कल्चर है, अभी से एक्साइटमेंट चालू हो गई है कि धोनी भाई के साथ खेलेंगे। विद मी शार्दुल ठाकुर, शार्दुल 42nd रणजी ट्रॉफी टाइटल, कैसा लग रहा है? पिछली बार आप थे 2016 में जीते, 8 साल का वेट और फिर एक और जीत, हाउ डू यू फील? जी बिल्कुल, पिछली दो दफ़ा भी हम फाइनल हारे थे, 16-17 सीज़न में हारे थे और शायद 21-22 में हारे थे। तो सारे लड़कों के दिल में वो बात थी कि फाइनल हमें जीतना है, और ये फाइनल जीतने के लिए जो प्रोसेस किया सबने मिलकर, वो जून महीने में स्टार्ट किया, उसकी तैयारी की, फिटनेस के ऊपर काम किया, स्किल्स के ऊपर काम किया, दो दफ़ा प्रैक्टिस टूर पे भी गए। हालांकि प्रैक्टिस टूर उतने अच्छे नहीं रहे, बट सबको पता लगा कि अपने गेम में क्या कमियां है, तो कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, कौन से स्किल्स और डेवलप करने हैं हमें। और रणजी ट्रॉफी अगर जीतना है तो क्या एफर्ट लगता है? 10 मैच आप फर्स्ट क्लास गेम्स खेलते हो, 4-4 दिन के, फिर क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल, 5-5 दिन के मुकाबले होते हैं, और ये सारे मैचों में इतना गैप नहीं होता है, तो आपकी फिटनेस कैसी मेंटेन करनी है, आपकी स्ट्रेंथ कैसी मेंटेन करनी है, प्लस आपको मेंटली भी उतना ही फिट रहना है, बिकॉज़ यू आर ऑन द रोड ऑल द टाइम। आप ट्रैवल ट्रैवल करते रहते हो, उतना घर जाने का भी मौका नहीं मिलता है लड़कों को। तो क्रेडिट टू एवरीवन, सारे 11 खिलाड़ी जो आज खेल रहे थे मुकाबले में, और जो नहीं खेले वो भी, और कहीं 2-3 लड़के जो टीम में नहीं थे बट पहले मैचेस खेले खेले हुए हैं और उन्होंने भी क्रूशल परफॉर्मेंस किया था एक दो मैच में। तो कम से कम आज हमारे, ये साल रणजी ट्रॉफी में हमारे पास 18 से 19 लड़के थे जिन्होंने एक्चुअल कंट्रीब्यूशन किया है। एक टाइम पे आप सारे तो नहीं खेल सकते, बट सारे लोगों ने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया और उसी के चलते हम जीते हैं ये। पर्सनली अपना पूरा सीजन आप कैसे देखते हैं? आपकी खुद की परफॉर्मेंसेस, सेंचुरी भी आई, विकेट्स भी आई, हाउ डू यू सम अप योर ओन परफॉर्मेंस? मेरे लिए तो काफ़ी अच्छा रहा, काफ़ी बॉलिंग वाइज थोड़ा मिक्स्ड था। बॉल कंसिस्टेंटली एक टप्पे पे मैं डालने की कोशिश कर रहा था, कई बार कैचेस भी छूटे। तो आखिरी 5 मैचेस जो मैं खेला उसमें 16-17 विकेट मिले मुझे, ज़्यादा मिले शायद, बट वही विकेट और भी बढ़ सकते थे अगर सारे कैचेस कन्वर्ट हो जाते तो, बट वो पार्ट एंड पार्सल होता है एक गेम का। प्लस बैटिंग में भी रन किए और क्रूशल टाइम पे रन किए, तो उस चीज़ का मज़ा है काफ़ी कि टीम के लिए कुछ मैं कर पाया। मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है कि टीम के लिए मैं कुछ ना कुछ करके जाऊँ फील्ड पे आया हूँ तो। परफेक्ट सेंड ऑफ फॉर धवल कुलकर्णी, क्या कहना चाहिए? जी बिल्कुल, उसके लिए ये 5वां चैम्पियनशिप है इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जिस साल उन्होंने डेब्यू किया उस साल भी वो चैम्पियन हुए थे, फिर उसके बाद जितने भी साल वो खेले हैं मुंबई के लिए उन्होंने अपना 100% दिया है। कभी भी ऐसा नहीं बोला कि मैं थक गया वो बॉलिंग नहीं डालूंगा, कभी उन्होंने किसी चीज़ के लिए ना नहीं किया। काफ़ी बार उन्हें नाइट बॉलिंग डालकर नाइट वॉचमैन भी भेजा गया बैटिंग में, तो वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने उठाई। और 9-10 का जो मैसूर में फाइनल जीते थे उसमें सेकेंड इनिंग में भी उन्होंने क्रूशियल 50 किया था धवल ने, तो उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत रहा है मुंबई क्रिकेट के लिए और मुंबई रणजी ट्रॉफी टीम के लिए। और बस उनको आगे की ज़िंदगी के लिए बेस्ट ऑफ लक कहना चाहूँगा। और जब एक्सपीरियंस प्लेयर्स वापस आके खेलते हैं, आप हो गए, अजिंक्य रहाणे, श्रेयस अय्यर, और यंगस्टर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं, तो ऑफ द फील्ड क्या ड्यूटी हो जाती है एज एन एक्सपीरियंस इंटरनेशनल प्लेयर? कैसे ग्रूम करना है यंगस्टर्स? मुझे लगता है एक टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ वो होती है जब टीम में यंगस्टर्स और सीनियर का एक मिक्सचर होता है, परफेक्ट बैलेंस हो जाता है फिर टीम। और जब हम बाहर बैठे हुए ड्रेसिंग रूम में तो कभी कभी यंगस्टर को चिल्लाना भी पड़ता है, बट हम कभी भी उनका बुरा नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि वो और अच्छा करे। और हम इसलिए चिल्लाते हैं क्योंकि हमने ख़राब दिन देखे हुए हैं, जब हमारे सीनियर्स भी सीनियर्स के साथ हम खेलते थे तो उस समय मुझे भी काफ़ी डांट पड़ी हुई है, और डांट खाकर गलतियाँ कर कर ही सीखे हुए। और हम चाहते हैं कि जो यंगस्टर्स है अभी टीम में वो भी जल्दी सीखे, अगर हम 2 सालों में सीखे हैं, 3 सालों में सीखे, तो वो 1-1.5 साल में ही सीखे। तो इसीलिए उनके साथ बात करते रहना पड़ता है कि मैच का सिचुएशन क्या है, इसमें कैसी सोच होनी चाहिए, आपके आपके ओर से कब एफर्ट लगाना है, कब आपको थोड़ा कम एफर्ट लगा के मैच को लंबा करना है। तो ये थोड़ी थोड़ी टेक्निकल चीज़ें भी है, फिटनेस रिलेटेड चीज़ें है, फिर गेम रिलेटेड सिचुएशन कैसे पढ़ना है, तो ये सारी चीज़ें हैं जिस बारे में बात करनी होती है। फाइनली ऑल सेट टू प्ले इन येलो, IPL कैसा देखे? रेड बॉल से व्हाइट बॉल का शिफ्ट, MS धोनी के अंडर खेलना?
जी बिल्कुल, हम सभी जानते हैं कि आईपीएल कितना बड़ा टूर्नामेंट है इंडियन क्रिकेट के लिए। सारे खिलाड़ी अपने भारतीय खिलाड़ी उनको एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना टैलेंट शोकेस करने के लिए, परफॉर्मेंस करने के लिए। और इस साल मुझे फिर मौका मिला है चेन्नई सुपर किंग्स के साथ खेलने का, तो अभी आज का दिन तो है, एंजॉय करेंगे, बट अभी से एक्साइटमेंट चालू हो गई है कि धोनी भाई के साथ खेलेंगे, उनके कैप्टनशिप के अंडर फिर एक बार बॉलिंग डालने का मौका मिलेगा, फील्डिंग करने का मौका मिलेगा। तो और काफ़ी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो उनसे सीखने मिलती है। जब भी वो सुबह उठते हैं तो उनकी रूम का दरवाज़ा खुला रहता है, इट्स ऑलवेज एनी वन इज़ ऑलवेज वेलकम टू कम एंड टॉक टू हिम। तो हम काफ़ी बार उनके रूम में बैठते और उनका सर चबाते रहते कि हमें बताइए कैसा करते हैं आप, क्या सोच है आपकी। तो काफ़ी सारी बातें जो सीखने मिलती है, और CSK टीम में एक फैमिली कल्चर है, तो जब आप घर से दूर रहते हो तब ऐसी टीम में खेलना बहुत ज़रूरी है जहाँ पे फैमिली कल्चर हो, ताकि होम सिकनेस फील ना हो प्लेयर के लिए, तो प्लेयर अपने आप में भी खुश रहता है और अपना 100% देता है ग्राउंड पे। थैंक यू सो मच हार्दिक, तुम्हारे से बात करने के लिए कॉन्ग्रेचुलेशन।